बात करेंगे आपके कल की, आपके कल को सुधारने की। लेकिन इससे पहले फिटकरी यानी कि एलम कितने कमाल की चीज है ये जानिए। कई बार रात में गहरी नींद में सोते हुए आपको बुरे सपने आते हैं, ऐसे में आपकी नींद तो खराब हो ही जाती है, साथ साथ कमजोर दिल वालों के लिए ये सपने बेहद खतरनाक भी हो सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इन सपनों में अपने आप को डिटैच करने के लिए, इन सपनों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। बड़े हों या बच्चे, बुरे सपने तो सबको ही डरा देते हैं। ऐसे में आप ये उपाय कर सकते हैं, ट्यूसडे के दिन आप अपने सिरहाने फिटकरी रखें, इससे आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। फिटकरी आपको बुरे सपने से बचाती है, साथ ही सेहत से जुड़े इसके ढेर सारे फायदे हैं। क्या हैं ये बेनिफिट्स आप जानिए। सर्दियों में हाथ की सूजन हो जाती है, ऐसे में आप पानी में ज़्यादा काम करते हैं तो भी आ जाती है, हाथों की उंगलियां स्वेलन कर जाती हैं, इचिंग हो जाती है। इससे बचने के लिए थोड़े पानी में फिटकरी को डालकर बॉईल कर लीजिए और इस पानी को थोड़ा ठंडा करके इसमें कुछ देर अपनी फिंगर्स को डिप कीजिए, उंगलियों की सूजन और खुजली में आपको आराम मिलेगा। अगर आपको कोई चोट लग जाती है और ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो आप अपनी चोट को फिटकरी के पानी से धोएं, उस घाव पर फिटकरी का चूर्ण बनाकर छिड़क दीजिए, ऐसा करने से खून बहना बंद हो जाएगा। अगर टॉन्सल्स हैं तो क्या करें, गर्म पानी में चुटकी भर फिटकरी और नमक डालकर गरारे करें, इससे गले का दर्द सूजन में जल्दी आराम मिल जाता है। चेहरे की झुर्रियां हैं तो क्या करें, चेहरे को धो लें और फिटकरी को ठंडे पानी से गीला कर लें, चेहरे के आसपास हल्के हल्के रगड़ें। अब इसे सूख जाने के बाद फिर इसे हाथों से छुड़ाकर साफ कर लें। कुछ महीने ऐसे ही करने से आपका चेहरा चमकदार हो जाएगा। और अगर बाय चांस आपको कोई कीड़ा मकोड़ा काट ले तो फिटकरी के टुकड़े पर उस जगह पर अच्छे से रगड़ें। ऐसा करने से काटने की जगह पर जो सूजन है, जो चोट है, जो रेड स्पॉट है, वो दूर हो जाता है। तो अपनी किचन से फिटकरी को निकलने नहीं दीजिएगा। दूध हम बच्चे सभी पीते हैं, दूध में कैल्शियम होता है, हड्डियों को ताकत देता है, हम सब जानते हैं। लेकिन अगर आपको अपने लिप्स का कालापन दूर करना है, इसके लिए दूध को अपने लिप्स पर लगाएं, आपके लिप्स का कालापन दूर होगा। बस रात को सोने से पहले एक बूंद गुलाब जल और एक बूंद नींबू का जूस और दूध की मलाई के साथ इस सब को लगा लीजिए। अगर आपके हाथ रफ हैं, खुरदरे हैं, तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए अक्सर अपने बर्तन को साफ कर कर आप इन पर दूध में नींबू का जूस मिलाकर लगाएं, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है।